एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। सुशांत की गर्लफ्रेंड और इस केस में तमाम संगीन आरोपों का सामना कर रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बेंच में चुनौती भी दे सकती है। सुशांत केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी। सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जिसके बाद आज 11 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई पुलिस को सौंपने की मांग की। सुशांत के पिता और बिहार सरकार ने इसका विरोध किया। सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में रिया के ऊपर सुशांत को परेशान करने, उसके करोड़ों रुपए का गबन करने और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।